नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी। रुआ सभे के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाए ले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है त इहे लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए, तुरंत कमेंट करी। अब डिप्टी सीएम के आधिकारिक बंगला के लेके बिहार में राजनीति गर्मा गर्म हो गई बा। भाजपा के आरोप बा कि जब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सरकारी बंगला खाली कैले त उ अपना संगे सामान लेके चल गई ले। तेजस्वी यादव पर आरोप लगावत बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल कहले कि जब राजद नेता उनुकर 5 देशरत्न मार्ग के आवास खाली कैले त उ अपना संगे सरकारी आवास के बिस्तर एसी अवूरी बेसिन लेके चल गई ले। भाजपा के आरोप बा कि तेजस्वी यादव सरकारी आवास के जिम के सामान भी गायब कर देले बाड़े, यहाँ तक कि बैडमिंटन कोर्ट के फर्श तक निकाल गईल बा। इतने ना वॉशरूम के नल भी गायब होके के आरोप लगावल गईल बा। भाजपा के कहनाम बा कि भवन निर्माण विभाग के ओर से दिहल सामान के सूची जल्दी जारी कर दी। बता दी कि तेजस्वी यादव 2 दिन पहले ई घर खाली कर दिहले बाड़न। अब ई आवास वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवंटित कर दिहल गईल बा। राउस एवेन्यू कोर्ट लैंड फॉर जॉब मामला में लालू प्रसाद यादव समेत सभे 9 आरोपी के जमानत दे देले बिया। एह मामला के सुनवाई सोमवार के कोर्ट में भइल। अब अगला सुनवाई 25 अक्टूबर के हुई। सभे आरोपी के 1,00,000 रुपया के निजी मुचलका पर जमानत मिल गईल बा। संघी कोर्ट सब आरोपी से पासपोर्ट सौंप देवे के कहले बिया। सोमवार के लैंड फॉर जॉब मामला में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मीसा भारती, लालू के बड़ बेटा तेज प्रताप यादव राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंचले। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, अवूरी मीसा भारती एक संगे एक मेज पे बैठल रहले। ईडी चार्ज शीट के संज्ञान लेके कोर्ट में हाजिर होके के समन जारी कईल गईल। हालांकि ईडी आरोप पत्र में तेज प्रताप यादव के आरोपी ना बनवले रहले, लेकिन कोर्ट तेज प्रताप यादव के समन जारी करत कहले रहे कि तेज प्रताप यादव भी लालू यादव परिवार के सदस्य हवे, अवूरी मनी लॉन्ड्रिंग में उनुकर भूमिका से इनकार नहीं खे कईल जा सकत। संज्ञान लेत घरी कोर्ट कहले रहे कि भारी संख्या में जमीन के हस्तांतरण भइल, यादव परिवार की ओर से पद के दुरुपयोग भइल बा। बिहार में बाढ़ के स्थिति गंभीर बनल बा, काहे कि अभी भी बहुत नदी खतरा के निशान से ऊपर बहत बिया। अधिकारी ई जानकारी देले। जल संसाधन विभाग अपना बुलेटिन में कहलस कि कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, अवूरी गंगा खतरा के निशान से ऊपर बहता। कहल गईल बा कि कर्मचारी सतर्क बाड़े आ संवेदनशील जगह पर बाढ़ से बचाव के काम हो रहल बा। अधिकारी बतवले कि पछिला महीना से राज्य के 38 में से 30 जिला में 40 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बाड़े। उ कहले कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिला में पूर्वी अवूरी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, अवूरी, मुजफ्फरपुर शामिल बा। आपदा प्रबंधन विभाग के कहनाम बा कि सितंबर के तीसरा सप्ताह में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से 28.34 लाख लोग प्रभावित भइल बाड़े। दूसरा चरण में नेपाल से भारी मात्रा में पानी गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा, कमला बालन आदि कई नदी में छोड़ला से पैदा भइल बाढ़ से कुल 16.68 लाख लोग प्रभावित भइल बा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान बहुत ज्यादा बा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवूरी भाजपा के बीच के दूरी बढ़त दिखाई देता। ओने लोजपा आर अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कईले बाड़े, जवना के चलते बिहार के राजनीति में हलचल तेज हो गईल बा। सूत्र के मुताबिक नीतीश कुमार पछिला कुछ दिन से भाजपा कोटा के मंत्री से दूरी बना के रखले बाड़े। उए मंत्रियन से मिले तक बंद कर देले बाड़े। मुख्यमंत्री के ए रवैया से भाजपा भी हैरान बिया। हालांकि दोनों पक्ष ए बारे में खुल के कुछ नई खे कहत। यही बीच चिराग पासवान अमित शाह से भेंट करके राजनीतिक पंडितन के अटकलबाजी के मौका देले बाड़े। ए मुलाकात के बारे में खुद चिराग एक्स पी ट्वीट करके जानकारी देले।
उल्लिखले कि आज नई दिल्ली में देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के संगे उनकर शिष्टाचार मुलाकात भइल। अपना मुलाकात के विस्तार से बखान करत चिराग आगे लिखले कि ए दौरान वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य अबूरी आवे वाला दिन में अलग अलग राज्य में होखे वाला विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तृत चर्चा भइल। ईडी आजू सबेरे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर छापा मार दिहलसी। जवना के बारे में आप नेता मनीष सिसोदिया पीएम मोदी के निशाना बनावत इंस्टाग्राम पर पोस्ट कैले कि मोदी जी अपना तोता मैना के मुक्त छोड़ देले बाड़े। आजू सबेरे से ईडी के जासूस आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर छापामारी करत बाड़े। मनीष सिसोदिया आगे लिखले कि पछिला दुसाल में उ लोग अरविंद केजरीवाल के घर पर छापामारी कैले, हमरा घर पर छापामारी कैले, संजय सिनी के घर पर छापामारी कैले, सत्येंद्र जैन के घर पर छापामारी कैले, कतही कुछुओ न मिलल, लेकिन मोदी जी के एजेंसी पूरा ताकत से एक के बाद एक फर्जी केस बनावे में व्यस्त बाड़ी। ये लोग आम आदमी पार्टी के तोड़े खातिर कवनो हद तक जाई, लेकिन कितनो कोशिश करस आम आदमी पार्टी के लोग ना तो रुकी है, ना बिक जाई है, ना डेर आई है। तो लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई। काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा, आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। एह गर्मी में आपन बढ़िया से देखभाल करी।